नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है और आपका खैर मकदम है हमारी YouTube चैनल ADB मशीन में। एक बार हम आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टीम इंडस्ट्रियल स्टीम आयरन के बारे में, जो कि इंडस्ट्रियल गारमेंट इंडस्ट्रीज में और लॉन्ड्री में इसका यूज़ होता है। आयरन तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए वो आयरन लाए हैं जो हमें लगता है आज की तारीख में इंडस्ट्रियल स्टीम आयरन की मार्केट में सबसे शानदार परफॉर्मेंस देती है और सबसे ड्यूरेबल आयरन है, क्योंकि हमने इस आयरन को समझा है, देखा है इसमें क्या क्वालिटी है, ये हम आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इस आयरन के बारे में। इस आयरन का ब्रांड है VG, जो कि रजिस्टर्ड है। और ये आयरन क्या है इसका, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम आपको। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे हमारा जो एड्रेस है, जैसे कि हमने बताया हमारी फर्म का नाम ADB स्विंग मशीन एंड टेक्निकल सर्विस है। ये हमारा एड्रेस कार्ड है, ऐसा करके देखो, ये हमारा एड्रेस कार्ड है। अब हम आज इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे इस आयरन में क्या है, क्या क्वालिटी है, कैसे काम करती है। ये आयरन के साथ में सबसे पहले आपको मिलेगा एक टेफ्लॉन सूट। टेफ्लॉन सूट की क्या क्वालिटी होती है, इसका क्या काम होता है, पिछले वीडियो में हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं, आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी होगी। इसके साथ में आपको मिलता है एक 4 लीटर का वाटर टैंक, इसमें 4 लीटर के आसपास आप पानी फिल कर सकते हैं। साथ में मिलती है आपको एक वाटर ड्रेन ट्यूब, एक साथ में आपको स्प्रिंग और इसके अटैच करने के लिए एक क्लिप है। ये तो कॉमन चीज़ है, हर आयरन के साथ में आती है। ये है आयरन, इसको बोलते हैं VG999 आयरन। इसकी क्वालिटी है कि ये सारे स्टीम, जैसे जो भी इसके बेस प्लेट में जो स्टीम होल्स हैं, तो सारे होल्स से स्टीम रिलीज़ करेगी। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि कस्टमर को एक अलग जो आयरन पे जो इसका रिजल्ट आएगा, जो है आयरनिंग का, वो अलग होगा, उसकी क्वालिटी अलग होगी। मोस्टली जो लॉन्ड्री पर्सन होते हैं वो इसी आयरन को पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनको लगता है कि तो इसका साइज़ काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह से उनके जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं और जो उसके ड्रेसेस होते हैं, उसका रिजल्ट कुछ अलग आता है। अब हम आपको इस आयरन के बारे में और बताने से पहले इस आयरन को लाइन से डिसकनेक्ट करेंगे, ताकि ये आयरन जब तक हीट होती है तब तक इसके बारे में हम आपको और बताएंगे इसके बारे में। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि इस आयरन को अब 220 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया गया और ये इसके आयरन के हीटिंग का प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है। जितनी देर में ये आयरन हीट होती है उतनी देर में हम आपको इस आयरन के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताएंगे। जैसे कि आयरन का जो वाट है वो 1600 वाट है, वो इसलिए कि अपने सेगमेंट पे ये आयरन सबसे हैवी आयरन है। आपने ये आयरन, इस तरीके के आयरन शायद देखी हो मार्केट पे, लेकिन ये इस आयरन को खोलने के बाद, इसको समझने के बाद हमें ये लगता है, हम लोग ये महसूस होता है कि ये अपने सेगमेंट में सबसे हैवी आयरन है और इसकी क्वालिटी बहुत ड्यूरेबल है। क्योंकि इसको, इसकी पहचान आपको इस तरीके से होगी कि आयरन पे ये जो होल दिख रहे हैं, ये आपको दूसरे आयरन जो 999 के दूसरे आयरन होंगे उसमें नहीं दिखेंगे। और इस पे साथ में हम आपको इसमें जो खूबी हम आपको बताना चाहेंगे, इस आयरन के साथ में जो इसको मैंने आयरन को पूरा खोला हुआ है, इसकी सारी स्पेयर पार्ट मैंने इसको ओपन किए हुए आपको समझाने के लिए, इस आयरन में क्या खूबी है इसकी, ये इतनी हैवी, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी के आयरन क्यों है। इस आयरन के साथ में आपको ये दो बेस दिखाए गए हैं, ये भी देखेंगे आप। ये आयरन का, ये जो VG कंपनी की जो आयरन है उसका ये बेस है, और ये दूसरी कंपनी की आयरन है जो नॉर्मल तमाम ब्रांड है मार्केट में, उसकी आयरन है, सॉरी उसका बेस है। ये बेस काफ़ी हैवी है, काफ़ी वेटेड है, और ये वाला जो बेस है ये थोड़ा हल्का है। अब इसमें क्या है, इसका बेस क्यों हैवी है, क्यों इसको ज़्यादा हम लोग इसको ड्यूरेबल बोल रहे हैं, उसका एक रीज़न है। इस आयरन के साथ में जो स्क्रू लगाया गया, आप गिनेंगे तो इसको 9 स्क्रू के साथ में टाइट किया गया है, जबकि दूसरे अदर स्क्रू को देखिए आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्क्रू से टाइट किया गया। इसमें अदर आयरन में क्या होता है कि जो इसके अंदर की जो पैकिंग होती है वो नॉर्मल पैकिंग, जैसे कि इस तरह की पैकिंग होती है, ये नॉर्मल पैकिंग होती है, जो कि एक बार ओपन करने के बाद ये डैमेज हो जाएगी, उसके बाद
दोबारा आपको नई पैकिंग लगानी पड़ेगी। इस आयरन के साथ खूबी यह है कि अपने आप में देखिए एक अलग तरह की इसकी पैकिंग है। ये बहुत एक बहुत अहम हिस्सा है ये इस आयरन का। और ये तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी आपको पता होगा 300 डिग्री तक के मेल्ट नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने इस पर पैकिंग इस पर जो यूज़ किया है वो है टेफ्लॉन पैकिंग। ये आप देखिए ये टेफ्लॉन पैकिंग है जो कि 1 mm की है। इसकी क्वालिटी 400 डिग्री तक के मेल्ट नहीं होती। इन बातों का इस आयरन को बनाते समय ध्यान रखा गया है। इस बातों पर किसी कंपनी ने अभी तक के नहीं तवज्जो दी, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि हम लोग इस प्रोफेशन में काफ़ी समय से हैं और इस इन आर तरह के आयरनों को मार्केट पे लाने का हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है। लोगों तक हम लोग पहुँचाया इसको ऑनलाइन के जरिए, अमेज़ोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो इसके अंदर की क्या बातें होती हैं ये हम लोग को ज़्यादा बेहतर पता है। तो बताने का मतलब है कि अपने आप में ये बहुत ही ड्यूरेबल आयरन है। इसकी पैकेजिंग इसको टाइट किया गया 9 होल के साथ में। इसका जो वेट है ये काफ़ी हैवी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। आप देखेंगे इस पे सारे होल से स्टीम निकलेगी। और ये जो आयरन, ये जो बेस है, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अब हम इसको हटाते हैं, आयरन अपने आप में हीट हो गई है। अब हम आपको आयरन को इसकी स्टीम वगैरह दिखाते हैं। ये आयरन के साथ जो टेफ्लॉन सूत लिखता है मिलता है, इसको हम लोग साथ में इसके साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। ये अब अपने आप में ये आयरन पूरी तरीके से इसकी हीट जो है वो पूरी तरीके से ओके है। अपने आप में इसको जितना हीट होना था हो चुकी। अब हम आपको इसकी आयरन इसकी स्टीम को दिखाएंगे कि इसकी स्टीम किससे होगी है। देखिए आपके सामने एक स्टीम बस के तौर पे आपको जो स्टीम रिलीज हो रही है और ये सारे होल से रिलीज हो रही है। वीडियो बनाने के लिए हमने ये जो आप देख रहे हैं ये जो बोतल है इसको काफ़ी कम ऊंचाई पर रखा है। अदरवाइज इसको कम से कम 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रखना है आपको। और वहाँ पर जो स्टीम का जो फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी और वहाँ से स्टीम भी आपको ज़्यादा रिलीज होती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर ऊँचाई कम होने की वजह से काफ़ी हैवी अलग स्टीम है। आप देखें, बताने का मतलब है कि हम आपको जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस सेगमेंट में जो सबसे हैवी आयरन जो अभी अवेलेबल है मार्केट पे, वो हमने आपके सामने प्रेजेंट की है। आप इस आयरन को परचेस करें और उम्मीद है कि लॉन्ड्री सेक्टर के लिए या इंडस्ट्री या गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इस प्राइस में इतनी हैवी आयरन, क्योंकि हमने आपको इसके इंटरनल पार्ट के बारे में बताया, इसकी जो क्वालिटी है इसके वॉटेज के बारे में बताया, इसकी ड्यूरेबिलिटी है जो इस आयरन की है, जो इसके बेस की क्वालिटी है, इसके टेफ्लॉन पैकिंग के बारे में बताया, इसके स्क्रूज बैक के बारे में बताया, इसके बेस की क्वालिटी के बारे में बताया। हमें लगता है कि अपने आप में इस सेगमेंट की सबसे हैवी आयरन है। इसको आप परचेस कीजिए। हमारा एड्रेस है जो आपके सामने है, ये जो कार्ड लगा हुआ है आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और ताकि हमको इसका मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है। और आप इसको देखेंगे तो हम आपके साथ इसके बाद इस वीडियो के बाद भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाएंगे जो कि काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं या आप इस व्यापार से जुड़े हुए हैं कहीं से भी, इसकी नॉलेज लोगों को नहीं होती, इसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, इसकी वीडियो हम आपको आगे देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उम्मीद है आपको मेरा हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैं मोहम्मद एजाज, ADB Swing Machine, thank you.